हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम सिंप्लीफाइड। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टर्स। तो आज हम इन तीन टाइप ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर एंड अल्टरनेट डायरेक्टर। तो इन तीनों के बारे में बहुत बेसिक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हम आपको बता देंगे, तो आज के बाद आप कभी इन तीनों के बीच में कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो एक जनरल नोशन तो आपको पता होगा कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली जनरल मीटिंग्स में अपॉइंट किए जाते हैं बाय शेयर होल्डर्स, यूजुअली। अब एडिशनल डायरेक्टर्स जो होते हैं, ये वो डायरेक्टर होते हैं जो शेयर होल्डर्स के थ्रू अपॉइंट नहीं होते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अपॉइंट हुए जाते हैं एंड बिटवीन टू AGMs। तो जो नॉर्मल AGM में अपॉइंट होंगे, उनके अलावा अगर ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं या कुछ भी चीज़ हुआ जिसकी वजह से हमें एडिशनल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो हम अपॉइंट BOD जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर बिटवीन टू AGMs। और ये वाली जो राइट होती है, ये इसके लिए आर्टिकल में प्रोविजन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आर्टिकल में प्रोविजन है तो ही आप ये कर सकते हैं, अगर आर्टिकल से प्रोहिबिटेड है तो आप ये चीज़ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने में एक पॉइंट ये है कि आप ऐसे इंसान को एडिशनल डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते जिसे शेयर होल्डर्स ने नॉर्मल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया हो। अगर उन्होंने नॉर्मल मीटिंग में ही रिजेक्ट किया है कि हमें इसको अपॉइंट ही नहीं करना है डायरेक्टर, तो ऐसे इंसान को आप एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकते। एडिशनल डायरेक्टर जो होते हैं, इनकी टेन्योर क्या होती है, यानी ये कब तक डायरेक्टर की तरह एक्ट करेंगे, डायरेक्टर का काम करेंगे। तो एडिशनल डायरेक्टर जो होते हैं, इनको जो अगली जब भी अपॉइंट हुआ है, जो भी दो AGMs के बीच में अपॉइंट हुए हैं उसके बाद से लेकिन नेक्स्ट जो आने वाला AGM है, तब तक की इनकी टेन्योर होती है। अगर ये जो नेक्स्ट AGM है आने वाला, वो अगर नहीं हुआ है, कई बार होते हैं कि AGM हेल्ड हो जानी चाहिए बट AGM नहीं हो पाती फॉर वट एवर रीजन्स, तो ऐसे टाइम पे वो जो एक्सटेंडेड डेट है, तो AGM के लिए हमको ड्यू डेट्स दी गई है, तो भले ही अगर आप AGM हेल्ड नहीं कर पाए बट उन ड्यू डेट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको कब तक रख लेना चाहिए था AGM, वो दिन पे अगर AGM नहीं रखा गया तो उस दिन तक उनकी टेन्योर होगी, उसके बाद वो रिटायर कर सकते हैं। एंड अगर ये जो नेक्स्ट AGM है ये एक्सटेंड कर दिया है लीगली, तो उनका टर्म भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो एडिशनल डायरेक्टर के लिए उनकी टेन्योर कैसे है, देखिए, अपॉइंटमेंट से लेके नेक्स्ट AGM तक नॉर्मल कंडीशंस में अगर AGM नहीं है, कंडक्ट हुई है, तो उस डेट तक जब तक AGM हेल्ड हो जानी चाहिए थी, ये सेकंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन, अगर AGM की डेट लीगली पोस्टपोन कर दी गई है तो जब तक के लिए वो एक्सटेंड की गई है तब तक के लिए एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर भी एक्सटेंड हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में। तो ये अल्टरनेट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल डायरेक्टर हैं वो इंडिया में नहीं होंगे फॉर 3 months और मोर। तो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 months और मोर के लिए वो इंडिया में नहीं है, तो उनके जगह उनका काम देखने के लिए एक अल्टरनेट डायरेक्टर जो होगा, वो जो अपॉइंट होता है वो 161 सबसेक्शन 2 में कवर है अल्टरनेट डायरेक्टर। तो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए भी आपके पास जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें कि उससे अथॉरिटी होनी चाहिए, या फिर आप शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी अल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। तो अल्टरनेट डायरेक्टर तब होगा, जैसे मैंने कहा, अगर आप लगातार 3 months तक आपके ओरिजिनल डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं इंडिया में फॉर वट एवर रीज़न, पर्सनल प्रोफेशनल, अगर वो 3 months तक कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है, 3
3 months or more, तो आप alternate director appoint कर लेंगे ताकि वो original director का काम कर सके. अब ये जो alternate director होते हैं, जैसे हमने additional director की tenure पढ़ी कि उनको कब तक काम करना है, वो कब retire कर सकते हैं, तो उसी तरह से alternate directors के लिए 3 situations actually. जैसे पहली सिचुएशन होगी कि अगर वो जो ओरिजिनल डायरेक्टर है जिसके बदले ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, अगर वो इंडिया में वापस आ जाता है तो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो अपना काम छोड़ सकते हैं. सेकंड सिचुएशन होगी कि अगर जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो डिसक्वालिफाइड हो गए. डिसक्वालिफिकेशन के कई सारे रीजंस होते हैं जो हमने अपने दूसरे वीडियो में कवर किया है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं. तो अगर कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हो गए हैं ओरिजिनल डायरेक्टर, तो ऐसे ओरिजिनल डायरेक्टर के अल्टरनेट डायरेक्टर को भी हम रिटायर कर देंगे, फिर हमें उनकी भी ज़रूरत नहीं. एंड तीसरा सिचुएशन हो सकता है, अगर आपकी जो ओरिजिनल डायरेक्टर हैं वो रिटायर कर गए हैं, मतलब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है एंड अब उनको रिटायर होके वो वापस रीअपॉइंट हो गए, रोटेशन बेसिस पे रिटायर होके रीअपॉइंट हुए हैं, तो इन दिस सिचुएशन भी जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैं वो उनको रिटायर करना पड़ेगा एंड वो वापस अपॉइंट हो सकते हैं ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months. तो ये 3 situation थी जहाँ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा. अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर की 2 conditions ये हैं कि आप वो ऊपर जो थी वो 3 situations थी कि वो कब उनको अपना ऑफिस वेकेट करना है. उसी तरह से जो 2-3 conditions हैं वो ये हैं कि अगर आप किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें भी सेम क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसे भी सेम क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी है जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करता है. उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर चीज़ में एंड जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी क्राइटेरिया है फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो सारी चीज़ें उसे भी सेटिस्फाई करनी है. सेकंड, ये जो अल्टरनेट डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हैं ये सेम इंसान 2 different directors के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर का रोल नहीं प्ले कर सकता, क्योंकि अगर साइमल्टेनियसली दोनों चले गए छुट्टी पे तो वो एक इंसान दोनों का काम नहीं संभाल पाएगा. एंड उसी तरह से अगर कोई इंसान जो ऑलरेडी किसी कंपनी में डायरेक्टर है वो उसी कंपनी के किसी भी और इंसान के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर का काम उसके बदले नहीं कर सकता. ओके, ये हो गया ऑल्टरनेट डायरेक्टर. अब आते हैं कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर पे. कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर कौन होते हैं? तो जैसे मैंने कहा, नॉर्मल डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं जनरल मीटिंग में बाय शेयर होल्डर्स. अब अगर इस तरह से अपॉइंटेड कोई डायरेक्टर जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है शेयर होल्डर्स के थ्रू, अगर ऐसा कोई डायरेक्टर उसकी टेन्योर कंप्लीट होने के पहले ही अगर वो ऑफिस वेकेट कर देता है फॉर वॉट एवर रीज़न, रिज़ाइन कर लिया, छोड़ दिया, डेथ हो गई, कुछ भी रीज़न से अगर वो ऑफिस छोड़ रहा है, तो ऐसे जगह पे जो खाली हो गई है तो उसका, उस डायरेक्टर का काम करने के लिए जो हम नेक्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं वो कहलाता है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर. तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर बोर्ड के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास दिया हुआ है. एंड यूजुअली अगर कोई डायरेक्टर अपनी टेन्योर कंप्लीट होने के पहले जो ओरिजिनल डायरेक्टर है अगर वो छोड़ के चला गया तो वही बंदे को हम वापस अपॉइंट कर सकते हैं उसी के जगह पे कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के लिए. तो ये एक चीज़ अलग है जो बाकी जगह नहीं होती. तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के जगह पे जिसने रिटायर किया है वही वापस इमीजिएटली अपॉइंट हो सकता है. एंड कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की टेन्योर होती है उतना पीरियड जितने के लिए आपका ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंटेड था. अगर आपका ओरिजिनल डायरेक्टर की टेन्योर 1 year है तो वो भी 1 year तक के लिए अपॉइंट हो जाएगा.
आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आप कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं तभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप।